Yes, let's start with question and answers. आप यार ये जो है इस फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे? किसी भी ब्रांड के साथ आप पहली बार जुड़ते हैं, उसके बाद अगेन आपको मौका मिलता है किसी और ब्रांच की ओपनिंग पे आप जाते हैं और उसको ग्रो करते हुए देखते हैं. आई थिंक दीज गाइज आर वर्किंग वेरी हार्ड. ये स्पोर्ट बहुत ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ रहा है हिंदुस्तान में स्पेशली. एंड जिस तरह की क्वालिटीज मैंने जो मैंने देखी है सूरत के लिए इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लैंडमार्क. आपकी जो बॉडी फिटनेस है वो कैसे? जी बस इसी तरह के जो जहाँ पे बैठे हैं इसी तरह की किसी जिम में जाकर मैं थोड़ा वर्क कर लेता हूँ, रेगुलर बेसिस पे कर लेता हूँ. और क्योंकि मैं काफी सालों से कर रहा हूँ बहुत ज्यादा है अपनी फोर हो रहा हूँ अभी दो तीन महीने का. सो अगर मैं जब मैं 13 साल का था तब से मैं जिम कर रहा हूँ बचपन से और ऑलमोस्ट 30 साल हो गए मेरे जिम को. तो शायद थोड़ा बहुत अच्छा फायदा होगा. नया वाला जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल जितने यूनिक इक्विपमेंट आ रहे हैं बहुत चुन चुन कर आ रहे हैं. जो ओपन एरिया है इनका डीआरएक्स है वो है जो ट्रेनर्स ये लोग सही करते हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड खुद ये ऑब्वियसली है काफी एक्सपीरियंस है और इनका बैकग्राउंड ऑलरेडी बहुत पुराना है. इसलिए जो लोग इनसे बॉब हैं और जो जिन नजदीक लोग हैं थोड़ी रिसर्च करके अच्छे ट्रेनर्स रखते हैं जिससे जो लोग सिर्फ जिम में आते हैं पतला होना मतलब नहीं होता. यू वांट टू लुक गुड ऑल द टाइम रिजल्ट भी मिलना चाहिए. सो वो उन सारी चीजों का इनको डेफिनेटली शुरू करना होता है. सर ज्यादातर बाजार में पाउडर जिम हर कितना जिम से चेंज होता है पाउडर से ज्यादा जिम इम्पोर्टेंट. फिटनेस का कौन से प्रोग्राम वो किए हैं डिजाइन किए हैं अवेलेबल है क्या क्या प्रोग्राम इसमें लिखा है कि फिटनेस के प्रोग्राम इसमें काफी लोगों को आज हेल्प हो. एक जिम में एक आदमी जाता है और सबको लगता है कि मैं बॉडी बनाएंगे लेकिन उस जिम में तीन कैटेगरी के लोग होते हैं. एक वो जिम के अंदर आते हैं कैलिस्थेनिक करते हैं एरोबिक्स करते हैं उछलपान करते हैं वो फिटनेस जोन में आप समझ सकते हैं कि वो फिटनेस की ट्रेनिंग करते हैं. फिर कुछ एक दूसरी कैटेगरी होती है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है बहुत ज्यादा वजन बनाती है बहुत हार्ड कोर पावर लिफ्टिंग मूवमेंट करते हैं. उनका मकसद होता है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना ताकत को बढ़ाना. तीसरा कैटेगरी होता है जो एस्थेटिक पर ध्यान देती है जिसको स्किन अच्छा चाहिए फेस बेहतर चाहिए मस्कुलैरिटी भी चाहिए पिक्चर में अच्छी दिखनी चाहिए. शायद वो लोग इतने फ्लेक्सिबल ना हो कि दो तीन बार उछल मान कर पाए शायद वो लोग बहुत ज्यादा वजन नहीं उठा पाए क्योंकि उनका मकसद वजन उठाना ही है. तो तीन कैटेगरी के लोग हैं इस जिम के अंदर. ये सारी फैसिलिटी है कि ये तीन बेसिक लोग अगर आएंगे तो उनको कम्प्लीट वर्कआउट कर सकते हैं. मेरे 11 है सर. सर आपको इंडिया का फिटनेस आइकॉन माना जाता है तो सुनने के लिए आप फिटनेस को टिप देना चाहोगे? सबको मेरे साथ आजकल बहुत इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोग बहुत एजुकेटेड ऑलरेडी हो चुके हैं. तो ओनली थिंग जो मिसिंग होती है क्योंकि हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं शायद ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत फिटनेस जोन में रहते हैं लाइफ बिल्कुल ही राम है जिंदगी उतार चढ़ाव से आते हैं. रेगुलर बेसिस पे जिम आना ये सबसे बेसिक चीज है. कुछ भी नहीं करता कोई आदमी तो आप सिर्फ जिम में आए आधा घंटा वॉक करें 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग करें घर चले जाए स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा लेकिन कम से कम आप कर रहे हैं. लेकिन अगर आप वो चीज एक महीना करेंगे उसके बाद आपको दिल किया वजन उठाएगा आपने वजन उठाया तो बॉडी फिटनेस रिस्पॉन्ड करती है. सो
ओनली डिफरेंस इज जस्ट बी रेगुलर इन द जिम नेचुरली हम सबको पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ पता है एक्चुअली आप पर्सनली पूछिए तो मैं सवाल के जवाब दे सकता हूँ लेकिन किसी को क्या ज्ञान दे सबको सबको आता है ऑलरेडी सर आप किसको आइकॉन मानते हो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग जो थे सूरत में बार बार आते हो तो आपका फैंस आपको बहुत प्यार मिल गया आप बोल्टेक्स से आते हो वहाँ से लाखों मतलब हजारों पब्लिक आपके पीछे होती है आपके फैंस के लिए छोटा सा मैसेज क्या पाओगे सूरत के लिए सर मेरा लड़का भी जिम करता है एक पाउडर खाता है और वो गुलाब भर के पानी पी के पाउडर बढ़ते उससे क्या फायदा होगा देखिए क्या पाउडर खाता है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है व्हाइट कलर का पाउडर है देखिए अभी बहुत तरह की सब्जी की कंपनी आ रही है तो बहुत बहुत बड़ी ब्रांडिंग करती है बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है जो लोग मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रोफेशनल एथलीट नहीं बनना चाहते अगर वो पाउडर नहीं लेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मल खाना खाकर भी बहुत हद तक अचीव कर सकते हैं लेकिन क्योंकि लोगों को बोर लगता है खाना बार बार बनाना खाना या फिर कुछ ऐसा ध्यान में आ गया है कि पाउडर पीने से जल्दी हो जाती है ऐसा नहीं है बॉडी अगर आपको जैसे पैसे के जैसा है अगर आपको मोटा होना है मोटा हम कैसे होते हैं जितना हमारे बदन बॉडी में कैलोरीज जलाती है उससे ज्यादा हम खाते हैं तो जमा होते 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 मोटे हो जाते हैं उसी तरह से अगर हम पतला कैसे होते हैं अगर मेरी बॉडी 100 कैलोरीज चला रही है और मैं उससे कम खाऊंगा धीरे धीरे बदन बदन को खाएगा मसला होगा पता हो जाता है पैसे के जैसा है इनकम जितना कमाते हैं जमा होता रहता कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पाउडर लेंगे तो ही बॉडी बनेगी ये सच नहीं है क्योंकि पाउडर का फैशन तो अभी आया है ऐसा नहीं है कि हर पाउडर की कंपनी खराब है उससे कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं लेकिन क्या आपको जरूरत है मतलब अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है आप अच्छे से जिम में आए इस स्टैंडर्ड के जिम में आए जहाँ पे आपको अच्छा डाइट प्लान मिले वर्कआउट मिले सिखाने वाले लोग सही हों आप घर पे आके नॉर्मल खाना खाकर बार बार खाना पड़ेगा ज्यादा खाना पड़ेगा उसमें भी बहुत बॉडी रिस्पॉन्ड करती है लेकिन एक हद तक करें आप दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर नहीं बने हैं क्योंकि हर चीज का एक लिमिटेशन होता है जूनियर है वो लोग खुद ही बचपन से इतनी तैयारी करके आते हैं और उन सबके पास इतने ट्रेनर्स हैं कभी दोस्ती आ रही में कभी कुछ बात हो जाती है लेकिन ऐसे किसी को एडवाइस नहीं देना ओके स्टार्टिंग योर क्वेश्चंस